टीवी हो तो टीवी होना ही नहीं चाहिए। अरे ये सब हो क्या रहा है? अरे क्या हो रहा है ये? मैंने पूछा क्या हुआ इसे? टाइम क्या हुआ? पता नहीं दामाद जी। अरे आज सुबह सुबह इसे कौन सा दौरा पड़ा है? अरे साहब बाहर खोला खड़ा है तो खड़ा रहने दो। हमने बहुत जानवर देखे अपनी जिंदगी में, चारों तरफ देख के। अरे बाल गोपाल, अरे ये सब क्या हो रहा है ये सब? अरे गोपाल तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी दिल की बात भी सुन सकता हूँ। तब तो मेरे दिल में जो हलचल हो रही है इस म्यूजिक की वजह से तुम्हें वो भी सुनाई दे रही होगी। अरे क्या हो रहा है ये सब? तुम खुद ही पूछ लो। हम देखते हैं। अरे भाई तुम लोग ये सुबह सुबह शोर, मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ साधना? ये शोर क्या है? नो शोर मिस्टर बोर, ये शीना है, फेमस सिंगर, बिग सिंगर, वेरी बिग सिंगर है अपनी शर्मा जी, मुझे सब पता है। बड़ी सिंगर है? हाँ? उम्र से तो इतनी बड़ी नहीं लग रही। शर्मा जी अभी टैलेंट का और उम्र का क्या कनेक्शन है? आप भी ना कुछ भी बोलते। अरे आपने आला बात की है, वो हिंदुस्तान बैंक के मैनेजर साहब है ना, उन्हीं की बेटी है। हाँ हिंदुस्तान बैंक? अरे लेकिन हिंदुस्तान बैंक में तो वो रजत गुप्ता जी। अरे 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 अरे, अरे वो रजत गुप्ता जी की बेटी है। अरे भाई उन्हें तो मैं जानता हूँ। हाँ गुप्ता जी ने तो कभी नहीं बताया कि उनकी बेटी जो वो सिंगर बन गई। शर्मा जी आप काम के लोगों को भी जानते हैं? शर्मा जी एक बार, बस एक बार शर्मा जी, बस एक बार मुझे मिलवा दीजिए शीना से। शर्मा जी प्लीज 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 शर्मा जी एक फोटो खिंचाइए ना मेरी, तो मोहल्ले की सभी औरतें ना जल भून के राख हो जाएगी। कम बर्निंग शर्मा जी प्लीज प्लीज मिलवा दीजिए शर्मा जी प्लीज 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 शर्मा जी। साधना मेरी बात को सुनने की कोशिश तो करो, मैं उनसे बहुत पहले मिला था, वो तो पता नहीं मुझे याद भी रखेंगे या नहीं। और वैसे भी सुनो मैं ये सब बेकार की चीजें नहीं कर सकता, ये फिल्मी दुनिया जो है ये फरेब की दुनिया होती है, दिखावा होता है, इससे दूर ही रहना चाहिए, समझ गई? दिखावा तो आप भी है तो फिर तो आपसे भी दूर ही रहना चाहिए, वो भी अच्छा ही होगा ना। कोई काम नहीं कर सकता मेरा, हटिया से चलिए मां हटिया से चलो। लेकिन सुनो तो, अरे मुरली नाश्ता दे दे। नाश्ता जल गया नाश्ता, दोबारा जब बनाएंगे तब हम देंगे। अरे नाश्ता भी नहीं मिलेगा आज? क्या गोपाल तुमने जरा सी बात पर साधना को नाराज कर दिया। ये जरा सी बात नहीं है बाल गोपाल, बहुत बड़ी बात है। अरे तुम नहीं समझते ये सब चोंचले होते हैं फिल्मी दुनिया वगैरह, हमारी दुनिया जो है वो फिल्मी दुनिया से बहुत अच्छी है। हाँ और सुनो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जाके रजत गुप्ता से बोलूं कि उसकी बेटी की बहुत बड़ी फैन है मेरी वाइफ और उसे मिलना चाहती है, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती है वगैरह वगैरह। साधना का क्या है, ये तो ऐसे बेकार के सपने देखती रहती है, फिजूल के सपने। सपना तब तक ही फिजूल रखता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। लेकिन पति होने के नाते तुम्हें साधना की एक इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। क्या बात है गोपाल, तुम बड़ी तेजी से चल रहे हो। रिक्शा कर लो ना, जल्दी पहुंच जाओगे। अरे कॉलेज के अंदर रिक्शा मतलब क्या? क्या क्या बोला तुमने? कॉलेज के अंदर रिक्शा? हाँ कॉलेज के अंदर रिक्शा। गोपाल तुम भी ना, वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? अरे गोपाल तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जहाँ तुम वहाँ मैं। देखो मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है अकेले अकेले। हाँ तो मैं कौन सा उन्हें दिखने वाला हूँ, उन्हें क्या परेशानी होगी? हाँ ये बात भी ठीक है, तुम तो सिर्फ मुझे को देखते हो और मुझे को परेशान करते हो। अरे तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे जाने दो वहाँ पे। हाँ ठीक है। अरे गोपाल रुको, ये बाउंडर क्या था? अरे गोपाल ये तो सिर्फ बवंडर था, अभी सुनामी आना बाकी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। क्या बात है सर, ये स्टूडेंट्स बाहर बहुत चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे हैं, किसका बुखार चढ़ गया इनके ऊपर? अरे चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, वो खुश है क्योंकि रॉकस्टार शीना का कल हमारे कॉलेज में परफॉर्मेंस है।
ओ, तो ये शीना जी की कलाकारी का बुखार है, मुझे तो पता ही नहीं था। शर्मा जी, तुम पे महामारी का कोई असर नहीं होता, कलाकारी का क्या होगा? वो छोड़ो, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि कल यहाँ पर शो है। शीना जी इलाहाबाद पहुँच चुकी है। शीना जी को हमें एयरपोर्ट से डायरेक्ट कॉलेज में लाना पड़ा, क्योंकि शीना जी को भी मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सर, इसमें मैं क्या कर सकता? देखिए, क्या है ना, शीना जी इसी बात पर यहाँ आने के लिए राजी हो गई है कि उनके सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होगा, लेकिन अभी वही तो करना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ आज के दिन एक ऐसी जगह का इंतजाम करना है जहाँ मीडिया और लोग ना पहुंचे। पर ऐसा होगा कैसे सर? मेरा मतलब कि ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? हो सकती है किसी आदमी का घर, किसी ऐसे आदमी का घर जिसे कोई जानता नहीं, यहाँ तक कि उसके मोहल्ले वाले भी उससे बात करने के लिए कतराते हो। एकदम बोरिंग आदमी, अरे जिसके घर में भीड़ क्या, चूहे बिल्ली भी जाना पसंद न करे। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, आपका घर शीना जी के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। अरे मैं मेरी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी? हाँ। पर सर, मेरे घर पे वो कैसे रहेगी? रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बस सिर्फ एक बार तुम हाँ कर दो। गोपाल, तुम हाँ कर दो, वरना अगर साधना को पता चल गया ना कि तुम्हारी वजह से उसने शीना से मिलने का मौका खो दिया, तो फिर तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखिए शर्मा जी, प्लान ऐसा है। अरे गोपाल, ये तो वही बात हो गई ना, जिसे हमने छोड़ना चाहा हर गली वो हमारे घर चली। प्यार में अरे वाह, ये तो वही लड़की है जो गाना गाती है। मैम साहब, मैम साहब, आपने अखबार पढ़ा चारों तरफ देख के? दिखा दो। आज शीना का अलाहाबाद के केसरी कॉलेज में धमाका। अरे मुरली, अपने केसरी कॉलेज में शर्मा जी भी पढ़ा थे। मतलब कि शीना से मिलने का मेरा सपना आज कंप्लीट ही हो जाएगा। फुल फुल फैमिली। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। आप रेडी हो मिस्टर शर्मा? गोपाल, महाभारत के शकुनी मामा भी ऐसे ही लगते थे। चुप करो तुम। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, तुमसे तो बाद में निपटूंगा मैं। हैं? मिस्टर शर्मा, गेटअप बदल गया तो क्या याददाश्त भी बदल गई? भूलना नहीं, मैं अब भी प्रिंसिपल हूँ, तुम्हें कॉलेज के बाहर कर दूंगा। सॉरी सर, मैं आपसे नहीं बोल रहा था सर, वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया सर। ओके, लेकिन चेहरे से मेकअप नहीं निकलना चाहिए वरना। अरे शर्मा, तुमसे एक दाढ़ी संभाली नहीं जाती, बच्चों की इतनी आबादी कैसे संभालते हो? याद रहे शर्मा जी, अब ये दाढ़ी तुम्हारे चेहरे से निकली, वहां तुम कॉलेज से निकले। आप फिक्र मत कीजिए सर, मेरी जान निकल जाए लेकिन मैं ये दाढ़ी निकलने नहीं दूंगा सर। दैट्स वेरी गुड। शीना को तुम्हारे घर में सेफ रखना और परफॉर्मेंस के लिए कॉलेज में ले आने के इस मिशन को हम लोग नाम देंगे, शीना को है चैन से जीना। शीना को है चैन से जीना। कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत जोर से लगा सर। नहीं, मेरा मतलब कि बहुत जोरदार लगा सर। वेरी इंटेलिजेंट सर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। गुड 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 गुड। देखो, मैं शीना को ले आता हूँ, तुम यहीं पे रहो। अरे क्या बाल गोपाल, ये सारे लफड़ों में मैं ही क्यों फंसता हूँ? गोपाल, भगवान भी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के ऊपर डालते हैं जो जिम्मेदारी उठा सके। अरे लेकिन बाल गोपाल, ये स्टूपिड जिम्मेदारी मुझे भगवान ने नहीं, प्रिंसिपल साहब ने दी है।
अरे अपने घर भी तो लेके जा सकते थे ना वो शीना को। नहीं गोपाल, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो और ऊपर से तुम्हें साधना की इच्छा पूरी करने का मौका भी तो मिल रहा है। एक से दो निशाने। आइए 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 मिशीना। ये है शीना जी, और शीना जी ये है हमारे कॉलेज के सबसे काबिल प्रोफेसर मिस्टर गोपाल शर्मा। आप इन्हीं के घर में रहने जा रही है। आप दोनों पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। मिस्टर शर्मा जी, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए, और गाड़ी और दाढ़ी दोनों पे ध्यान रहना चाहिए। इनके लिए कोई हॉट ड्रिंक लेकर आओ, अब एनर्जी ड्रिंक लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ मुरली। अरे आपको गर्मी लग रही है, मैं फैन लगा दूं? नहीं सासू मां, सासू मां, फैन नहीं, फैन नहीं। तो आप भी तो मत बोलो। अरे शर्मा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये हमारे घर में आ रहा है। हैपनिंग हाउ लाइक दैट? दरअसल कॉलेज में कल शीना जी का हमारे यहाँ पर शो है। और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि शीना जी यहाँ पर हैं, ये बात कोई कहीं किसी को नहीं बताएगा, सिर्फ कल तक की बात है, समझ गए? ओके। गोपाल ने इन सब को तो मना कर दिया, लेकिन बाल गोपाल यहाँ है, और बाल गोपाल का काम है धमाल करना। देखो साधना, शीना जी का यहाँ पर आना इसी शर्त पे तय हुआ है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका मतलब है प्रिंसिपल साहब के साथ विश्वासघात। शर्मा जी, मुझे सब पता है। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं एक औरत हूँ, और अगर औरत को कहा जाए ना कि उसे कोई बात छिपा के रखनी है, वो भी अपने पेट में, तो औरत वो नहीं कर सकती है। पेट में दर्द होता है, टम्मी हैपनिंग पेन। शर्मा जी, आप समझते नहीं है। शीना को समस्या तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन साधना की समस्या भी तो हल होनी चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ये कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? मोले, नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, तुम रुको यहाँ पर। अरे बच्चे कहाँ से आ गए? कहीं इन बच्चों को पता तो नहीं चल गया शीना जी के बारे में? कौन है? मुझे लगता है कि आपके फैंस हैं। मेरा मतलब, शांत रहिए, शांत रहिए, बार बोल रहा, आवाज सुन लेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। गोपाल, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है वो मैं ही कर लूंगा। अरे साधा, इनको कहीं छुपाना पड़ेगा। बच्चों कैसे हो तुम लोग? कितने सही टाइम पे आए। नहीं कैसे आना हुआ आज? हमें शीना से मिलना है। इन्हें कहीं शीना के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, पता तो चल ही जाएगा। अरे
वो क्या देखा मैंने अभी? क्या देखा तुम? ये आपका कॉइन गिरा हुआ था। देखिए हम जानते हैं कि आपके कॉलेज में आज शीना का शो है, तो प्लीज हम लोगों की एक मुलाकात प्लीज करा दीजिए उनसे शो के बाद, प्लीज। अरे शो से पहले करा देंगे ना, मीटिंग्स हैपनिंग्स हैपनिंग्स। साधना साधना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल। सॉरी सर, मुझे लगे बैठ सकते हैं ये टेबल। अरे मतलब मुझे सब पता है, कमजोर है लड़की है, मतलब लड़की लड़की नहीं लकड़ी। अब तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाओ 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 तुम लोग, अभी मैं शो खत्म होगा उसके बाद मैं तुमको शीना जी से मिलवा दूंगा, अभी जाओ। शर्मा जी भी ना फंसा देते हैं मुझे, मतलब पकवान तो सामने लाके रख दिया लेकिन उसे खा नहीं सकती, ओनली सिंग करते रहो, ऐसे थोड़ी होता है। साता क्या हो गया? शर्मा जी वो क्या है ना कि पेट में बात रखने से ना मेरे पेट में दर्द हो गया है, जब तक शीना टॉक आउट नहीं होगा ना तो पेट दर्द नहीं जाएगा, मैं क्या करूं मुझे सब पता है। साता बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, दर्द को बर्दाश्त करो, लेकिन भूल कर भी शीना जी के बारे में किसी को बताना मत, तुम्हारे इमेज बनाने के चक्कर में बेचारी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। गोपाल देखा आज ना तुम्हारी बात मानने की वजह से कितना दर्द झेल रही है। मैं तरकीब बताऊं? कैसा लगा? हाँ बाल गोपाल ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और तुम रुको मैं जरा साधना से बात करता हूँ। साधना ऐसा करते हैं कि मैं अपने मोबाइल फोन पे तुम्हारी और शीना जी की एक वीडियो फिल्म बना लेता हूँ, फिर शीना जी के जाने के बाद अपनी सहेलियों को दिखा देना और उन पे अपना रौब झाड़ना, और क्या। शर्मा जी कभी कभी तो गुड आइडियाज आ जाते हैं आपके दिमाग में। अरे वाह मुझे सब पता है, मैं जाके ना वो शीना जी है ना उनको लेके आती हूँ। बाल गोपाल ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, देखो बेचारी कितने खुश हो गई। हाँ मेरे तरकीब में साइड इफेक्ट जरूर होते हैं जो बाद में दिखते हैं। शर्मा जी एकदम अच्छे से बनाएगा वीडियो। हाँ जा जा ऐसा वीडियो तो खुद के एल्बम के लिए भी नहीं बनाई होगी। अरे ये वीडियो तो मैं इतना सर्कुलेट करूंगी जितना आपका वो म्यूजिक एल्बम वाला वीडियो भी कभी नहीं हुआ होगा। मी नॉट नोइंग यू। शर्मा जी फोन दीजिए ना, फोन फोन। हेलो हेलो हेलो, अल्फा बीटा गामा स्पीकिंग। हेलो हेलो, पैंट शर्ट पजामा स्पीकिंग। जंगल से सफेद हाथी को मंगल ग्रह पे लाने का वक्त हो चुका है। मैं उसे नाव में बिठाता हूँ। ओवर। ध्यान से किसी मगरमच्छ की नजर उस सफेद चूहे पर ना पड़े। क्या बात कर रहे सर, शीना चूहा। देखो मैं उसे लेने वहां आ रहा हूँ। मैं सफेद चूहे को तैयार होने के लिए बोलता हूँ सर। गुड ओके, ओवर एंड आउट सर। शीना जी प्रिंसिपल साहब का फोन था, वो आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं ना ये वीडियो अपलोड के लिए कर देती हूँ और फिर एकदम से भेज दूंगी, है ना। हाँ
ये तूने क्या किया? ये तो सैंड हो गया। साधना, ये तूने क्या क्या किया? अरे आइए सर, आइए आइए सर, आइए आइए। शर्मा जी, टाइगर रेडी? क्या बात है, क्या हुआ? रेडी सर। मैं रेडी हूँ, चलिए। साहब, साहब, बाहर काफी लोग खड़े हुए। अरे क्यों? मुझे सब पता है। वो सर, सॉरी हूँ मैं, वो मिस्टेकिंग हो गया। वो ना शर्मा जी, अब क्या करें? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। गोपाल, तुम एक काम करो। एक काम हो सकता है सर? हमें शीना से मिलना है, हमें शीना से मिलना, हमने वीडियो में देखा है। वो सब बाद में मिलवा दूंगा, अभी इन्हें जाने दे। चली चली चली। भगवान, मुझे पता है तुम सब लोगों को शीना से मिलना है ना? हाँ हाँ, हम शीना से मिलने हैं, हमने उनको वीडियो पे देखा आपके साथ। वो अब क्या है ना कि शीना का और हमारी तो बिल्कुल घर वाली बात है, होम टू होम, सेम टू सेम। लेकिन वो तो अभी शो के लिए गई। गई? हाँ, वो तो चली गई, वरना साधना तो यही मिलवा देते। अरे साधना जी, शीना जी आपके साथ जो समय बिताती है, अरे हम तो आपके साथ भी फोटो खिंचा के खुद को लकी महसूस करेंगे, है ना? अब समझ में आया बाल गोपाल, इंसान को वही करना चाहिए जो उसके बस में हो। किंतु तुमने तो वो कर दिया जो तुम्हारे बस में नहीं था। देखा साधना कितनी खुश है सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज तुमने बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया मुझे। मैं तो आज तक अपने पुराने विचारों, पुराने व्यवहार के खोल में बस एक कछुए की तरह बैठा था। तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी अपने खोल से निकलकर दुनियादारी में भी आना चाहिए। अरे किसने कहा कि तुम कछुए हो? तुम तो खरगोश की तरह सब कुछ तेजी से समझ जाते हो। जय हो बाल गोपाल, जय हो।